जय हिंद साथियों, में डॉक्टर खलील पवार, आप देख रहे हैं दिल्ली लैंग्वेज। श्री राजा राम खरास साहब और नामदेव साबले साहब ने बड़ी तब्दीली अपनी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आर के गुट में की। मुंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आर के गुट पक्ष के अध्यक्ष श्री राजा राम खरास साहब ने इन दिनों पार्टी में बड़ा उलटफेर किया है। पहले उन्होंने नामदेव साबले साहब को महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया और अब उत्तर भारतीय श्री सुरेश कुमार बिंद को मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के श्री जावेद पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 जनवरी को सुरेश कुमार बिंद का जन्मदिन था। इस शुभ अवसर पर श्री राजा राम खरास साहब ने यह तोहफा दिया। जन्मदिन समारोह में इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता श्री राजू रोते, उपाध्यक्ष श्री सुनील कांबले और गणेश पवार, संजय लांगदे, मंज अप्पा गोड़े, अयूब शेख, प्रदीप गुंजल, रविंद्र मस्के, रमजान अली, प्रकाश शिव पुष्कर और काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर श्री सुरेश कुमार बिंद ने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में भारी मात्रा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आर के उम्मीदवार को लड़ाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री जावेद पटवारी ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए वादा किया कि महाराष्ट्र मुंबई की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ बाकी राज्यों के लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे और अपनी पार्टी का वजूद बढ़ाएंगे। श्री जावेद पटवारी ने अब तक अपनी मेहनत और लगन से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ शहर, यूपी, गोवा, हरियाणा के स्थानीय लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ा है और जावेद पटवारी का यह कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं की और उनके संविधान की इस देश के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। श्री सुरेश कुमार बिंद और श्री जावेद पटवारी ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मुंबई से जावेद पटवारी की रिपोर्ट।